करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ये शीट नंबर 25 है वैसे आपकी, शीट 25 में अगर आपको करंट इस फॉर्म में गिवन है, टाइम वेरिंग करंट है, टाइम के साथ करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, अल्फा की वैल्यू पता है, आई नॉट की वैल्यू भी पता है, और आपको ये बताना है कि कितना चार्ज पास हो गया 10 सेकेंड के अंदर। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, चार्ज कैलकुलेट करने के लिए करंट क्योंकि टाइम पे डिपेंडेंट है, आपको इंटीग्रेट करके ही चार्ज निकालना पड़ेगा। तो चार्ज की वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, आई की वैल्यू पुट करेंगे और 0 से 10 सेकेंड के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, करंट का चार्ज का आंसर आएगा। तो बस ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ करंट की वैल्यू टाइम के साथ अपनी वैल्यू चेंज कर रही है, तो आपको ये फॉर्मूला लगा के चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। इसके बेस पे जैसे ये एक क्वेश्चन है, ये मेंस के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। वैसे नॉर्मली जितनी वायर्स हमने की उसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, बराबर है पाई आर स्क्वायर। तो जब मैं ये बोलता हूँ रेजिस्टेंस निकालो, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई एरिया पाई आर स्क्वायर, पुट करके आंसर आता है। अगर आपकी किसी वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नॉन यूनिफॉर्म है, यानी कि इधर से ए उधर से बी, तो फिर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, पाई रो एल बाई एरिया, में कंफ्यूजन हो जाएगी कि लेफ्ट का एरिया पुट करूं कि राइट का एरिया पुट करूं, तो आपने ज्योमेट्रिक मीन लेना होता है, ये शॉर्टकट है, अंडर रूट ऑफ ए वन ए टू पुट करना है। तो ए वन की जगह पाई ए स्क्वायर, ए टू की जगह पाई बी स्क्वायर, सॉल्व करके पाई ए बी, ये पुट करने आंसर आएगा। तो अगर कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आया तो आपने ऐसे इसको सॉल्व करना है, कोई डाउट इसमें? तो क्या एरिया लेना है नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन में, समझ में आ रहा है यहाँ तक? जैसे इस क्वेश्चन के अंदर एक अरेंजमेंट गिवन है, इस अरेंजमेंट में एक ईएमएफ है, यानी कि सेल है, जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, और एक स्विच है, और ये एक वोल्टमीटर है। वो ये कह रहा है कि वोल्टमीटर हैज अ वेरी हाई रेजिस्टेंस, वो तो हमें मालूम ही है। वोल्टमीटर रीड्स 1.52 वोल्ट जब स्विच एस ओपन है। जब एस ओपन है तो इसका मतलब इसमें से करंट नहीं बाहर आ रहा, और अगर करंट बाहर नहीं आ रहा और वोल्टमीटर जब ईएमएफ को मेजर करेगा तो उसकी ईएमएफ मेजर करेगा, तो ई की वैल्यू कितनी आ रही है, 1.52 वोल्ट। तो वोल्टमीटर ने सेल को टच किया, सेल में से करंट बाहर नहीं आया क्योंकि खुद वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस बहुत हाई है, और यहां से आपने सर्किट क्लोज किया ही नहीं। तो यहां पर वोल्टमीटर जो रीडिंग ली वो उसकी ईएमएफ है, तो 1.52 ईएमएफ है, लेकिन जब स्विच को क्लोज किया रीडिंग ड्रॉप्स टू 1.45। तो जब आपने इसको क्लोज किया तो इसमें से करंट बाहर आया, और जब करंट इसमें से बाहर आएगा तो यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको क्वेश्चन में ये बताना है, और इसमें करंट की वैल्यू भी पता है और आपको टर्मिनल भी पता है 1.45 वोल्ट है। क्वेश्चन है ईएमएफ बताओ, ईएमएफ तो मुझे पता है 1.52 है आंसर, और साथ में स्मॉल आर बताओ। अब मुझे पता है जब स्विच एस क्लोज करेंगे वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, टर्मिनल पता है, ईएमएफ पता है, करंट भी पता है, और आर की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, आंसर आ गया। तो ये स्टेप भी क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इस क्वेश्चन के अंदर ये मेंशनड है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अकुमुलेटर बैटरी ऑफ ईएमएफ 6 वोल्ट इज 10 ओम। तो आपको एक बैटरी गिवन है 6 वोल्ट की, जिसके अंदर रेजिस्टेंस कितने गिवन है, 10 ओम गिवन है। व्हेन इट इज फुली डिस्चार्ज, मतलब इसमें बिल्कुल भी चार्ज नहीं है, खाली बैटरी है, तो इसके इंटरनल 10 ओम है। एज द बैटरी गेट्स चार्ज्ड अप, जब बैटरी चार्ज हो जाती है तो इंटरनल रेजिस्टेंस 10 की जगह 1 ओम हो जाती है, जब चार्ज हो जाती है। चार्ज करने के लिए इसको कनेक्ट किया जाता है एक बैटरी के साथ, 9 वोल्ट की बैटरी के साथ। चार्जिंग के लिए एक बैटरी चाहिए होगी, वो खुद चार्ज होगी, इसको चार्ज करेगी। ये खुद 6 वोल्ट की है, और जो बाहर से बैटरी आई वो 9 वोल्ट की होगी जो इसको चार्ज करेगी। आपको ये बताना है करंट कितना होगा जब 9 वोल्ट की बैटरी हमने कनेक्ट की थी शुरू में, और बाद में बहुत देर के बाद फिर करंट क्या होगा। जब 9 वोल्ट कनेक्ट करेंगे, चार्जिंग ऑफ बैटरी मैंने बताई थी, चार्जिंग के अंदर प्लस इज कनेक्टेड विद नेगेटिव एंड नेगेटिव इज कनेक्टेड विद प्लस। एक बैटरी सीधी एक उल्टी कनेक्टेड होती थी, याद करो।
तो नेट ईएमएफ क्या हो जाएगी, 9 और 6 की मिला के 3 हो जाएगी, क्योंकि एक बैटरी सीधी है एक उल्टी कनेक्ट करनी पड़ेगी तभी चार्जिंग होगी, तो नेट ईएमएफ कितनी आएगी, 3 वोल्ट। जब आपने शुरू में कनेक्ट किया था 9 वोल्ट और बैटरी बिल्कुल खाली थी, जब बैटरी खाली थी ये वाली, तो रेजिस्टेंस कितनी थी, 10, तो करंट कितना होगा, 3/10 यानी कि 0.3 एम्पियर। जब बैटरी चार्ज हो गई तो रेजिस्टेंस कितनी हो गई, 1, 10 की जगह 1, तो करंट कितना हो गया, 3 एम्पियर। तो आपका करंट 0.3 से 3 एम्पियर तक चला गया, ये आंसर है। तो जस्ट एक नया टाइप का क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन हमने नहीं किया, एक इस ये सेल्स इन सीरीज पैरल ऑलरेडी हमने किया हुआ है, ये वाला, ये तो मेंस के अंदर भी आया हुआ है। इसके अंदर आपको ये गिवन है, ये एमीटर्स गिवन है, आपको रेजिस्टेंसेस गिवन है, आपको क्या बताना है, आपको इसके अंदर नहीं, ये क्वेश्चन है, सॉरी ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ये आया हुआ है। इसके अंदर आपको ए पॉइंट गिवन है, बी पॉइंट गिवन है और सी पॉइंट गिवन है। ए बी सी के पोटेंशियल गिवन है 30 वोल्ट, 12 वोल्ट और 2 वोल्ट गिवन है, गिवन है। आपको ये बताना है हर ब्रांच में कितना करंट होगा, ये क्वेश्चन है। तो हर ब्रांच में करंट निकालने के लिए मुझे ये पता है कि अगर यहाँ पर करंट I1 है तो I1 है, यहाँ पे I2 और यहाँ पर I3 है, तो यहाँ पे जंक्शन लेना होता है ऐसे क्वेश्चन में, और जंक्शन का पोटेंशियल मान लो X है। अब मुझे ये पता है कि ओम्स लॉ अगर मैं यहाँ पर लगाऊँ, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 30 - X इज I1 × 10, और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, X - 12 इज I2 × 20 ओम्स लॉ। यहाँ पे क्या होगा, X - 2 इज इक्वल टू I3 × 30। ये तीन इक्वेशंस आ गई, तीन इक्वेशन से I1, I2, I3 निकाल लेना, और टोटल करंट I1 किसके इक्वल है, I2 + I3। तो I1 यहाँ से पुट कर देना, I2 पुट करना, I3 पुट करना, यहाँ पे पुट करके किसकी वैल्यू आ जाएगी, X की वैल्यू आ जाएगी, X की वैल्यू आ गई। एक बार X आ गया, यहाँ पे पुट करेंगे तो I1 आ गया, यहाँ पुट करेंगे तो I2 आ गया, और यहाँ पुट करेंगे तो I3 आ जाएगा। I1, I2, I3 कैन बी कैलकुलेटेड, आंसर आ गया।